नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। आज का हमारा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जाते हैं और जो घंटों तक बैठकर लगातार काम करते हैं। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, आप प्रतिदिन अपना कितना समय ऑफिस में बिताते हैं? 8, 10, 12 घंटे? खैर, इस बात पर चुप रहना ही बेहतर है। तो यह बात बहुत ही सामान्य है कि जो समय आप ऑफिस में बिताते हैं उसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप क्या खाते हैं, कितने घंटे बैठते हैं और आप किन चीजों को स्पर्श करते हैं, इन सभी बातों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आपको आश्चर्य हो रहा है कि आप अक्सर बीमार क्यों पड़ जाते हैं, तो उसका उत्तर हम आपको देते हैं। आप एक अस्वस्थ प्रोफेशनल लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं, पर चिंता ना करें, आपको अपना जॉब बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। और हम पर विश्वास कीजिए, आपको जल्दी अच्छा महसूस होने लगेगा। आज हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, स्वच्छ हवा में सांस ले। एक अध्ययन के अनुसार ऑफिस के वातावरण के कारण कभी कभी ऑक्यूपेशनल एलर्जीज हो जाती है। कॉर्पोरेट ऑफिस के फर्नीचर या पेंट के प्रति संवेदनशीलता होने के कारण कभी कभी सिरदर्द या रैशेस जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा वेंटिलेशन यानी कि हवा का आवागमन कम होने के कारण और ताजी हवा ना मिलने के कारण दम घुटने जैसा महसूस होता है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, स्वच्छ हवा में सांस जरूर लें। नंबर 2, फेफड़ों को थोड़ा आराम दे। हालांकि इस बारे में आप बहुत अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु आप अपने फेफड़ों को थोड़ा आराम दे सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि 10 मिनट का समय निकालें और ऑफिस के कैंपस में थोड़ा वॉक करें। ऐसे स्थानों पर वॉक करें जहां आसपास हरियाली हो। यदि आपको आसपास कोई पेड़ नहीं दिखता, तो केवल बाहर खड़े रहें और गहरी सांस लें। नंबर 3, बहुत अधिक समय तक ना बैठे रहें। जी हाँ, हम समझते हैं कि आप अपने काम में बहुत अधिक व्यस्त हैं। इसके अलावा नियमित अंतराल पर ब्रेक भी नहीं लिया जा सकता, परंतु डेस्क पर बहुत अधिक लंबे समय तक बैठे रहने से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे लोग जो डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित खतरों से बचने के लिए दिन में कम से कम 2 घंटे अवश्य चलना चाहिए। इसलिए अपना अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, मांसपेशियों को स्ट्रेच करें। लंबे समय तक बैठे रहने से स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होते हैं, परंतु इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप 3 मिनट का वॉशरूम ब्रेक ले सकते हैं। आप वॉशरूम जाएं, मांसपेशियों को स्ट्रेच करें और उनमें गति लाएं तथा कुछ जंप्स करें। ऐसा करने से आपको फायदा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। नंबर 5, अपनी आंखों को थोड़ा आराम दे। क्या होता है जब आप लंबे समय तक कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहते हैं? सिरदर्द। और केवल इतना ही नहीं, इससे आपकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। एक अध्ययन के अनुसार कंप्यूटर के कारण आंखों पर तनाव आ जाता है। इससे सिरदर्द, ध्यान केंद्रित करने में समस्या और लाइट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती है। अतः इससे बचने के लिए कंप्यूटर को लगभग 1 हाथ दूर रखें। यदि आप पढ़ नहीं पा रहे, तो आंखों पर जोर ना डालें, केवल फॉन्ट का साइज बढ़ाएं। इससे आप सिरदर्द से बचे रहेंगे। नंबर 6, कॉफी ना पिए। आपको कैफीन पसंद है? सॉरी, परंतु आपको इसके सेवन को सीमित करना होगा। जी हाँ, हम समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, परंतु आपको यह करना होगा। जो लोग ऐसा करना प्रारंभ करते हैं, वे कॉफी से दिन की शुरुआत ना करें। ऐसा करने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए कॉफी को बाय कहें। आप कॉफी की जगह 1 गिलास पानी पिए, और जब भी आप कॉफी पीना चाहें तो इसमें चीनी अधिक मात्रा में ना डालें। इसमें क्रीम भी ना मिलाएं। इसके अलावा कॉफी का एक चार्ट बनाएं और इसे अपने डेस्क पर चिपका लें। इससे आप ध्यान रख पाएंगे कि आप कितने कप कॉफी पी रहे हैं। इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। नंबर 7, पोजीशन बदलते रहें। अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं, तो आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। आपका शरीर बीमार हो सकता है, और ऐसा अक्सर देखने में आता है कि एक जगह बैठकर काम करने वाले लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए आप अपने बैठने की पोजीशन को बदलते रहें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी ऑफिस में काम करने वाले उन लोगों के लिए जो अपना ज्यादातर समय ऑफिस में ही बिताते हैं। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई नई जानकारी आप तक पहुंचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।